हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 9:15 हो रहे हैं और मैं पहले नहा के आ चुकी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और आदित्य अभी स्कूल जा चुका है तो उसको ओनली स्नैक्स ही देने थे, खाना वाना अभी तक बना नहीं है। नाश्ता तो उसको खिला दिया था तो अभी खाना भी बनाना है और नाश्ता भी बनाना है, सारा काम बाकी है। कल काम वाली नहीं आई थी, अभी उसने फ़ोन किया है, गरीमत है। लेकिन फ़ोन करके क्या बोला है, आज भी लेट हो जाएगा। अब वो लेट नो होगा या सही में लेट आएगी कि नहीं पता नहीं। तो ये है अपडेट आज सुबह सुबह का। तो मैं अपने वीडियोस देख रही थी तो मेरे को पता लग रहा था कि ये स्वेलिंग कम नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे भी ये स्वेलिंग आ चुकी है, पहले नहीं थी ये। तो ये स्वेलिंग आ चुकी है और कम नहीं हो रहा है, पेन बढ़ रहा है, लेकिन काम से छुट्टी नहीं मिल रही है। हमारे सामने वाले घर में रेंट पे रहते थे कोई, वो वेकेट कर रहे हैं अभी। तो मूवर्स एंड पैकर्स आए हुए हैं उनका सामान पैक करने के लिए, दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखा ना आपने, तो पिछले 4-5 सालों से मूवर्स एंड पैकर्स का जो है डिमांड बहुत बढ़ गई है। उससे पहले तो मूवर्स एंड पैकर्स नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी, और अगर कहीं घर शिफ्ट करना हो तो 15 दिन पहले से पैकिंग शुरू करनी पड़ती थी। और मेरे पापा तो आर्मी में थे, तो जब हमारी पोस्टिंग आती थी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो एक महीने पैकिंग करते रहते थे आराम आराम से, एक एक मतलब लिस्ट बना बना के उसमें रखते रहते थे, ताकि जब उसको फिर हम लोग अरेंज करने के लिए खोले तो पता रहे कौन से बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। और ये अभी मूवर्स एंड पैकर्स वाले आते हैं, बस 1-1.5 घंटे में पूरा घर ना पैक करके चढ़ा देते हैं। बहुत फटाफट फटाफट गत्ते लेके आते हैं, टेप्स लेके आते हैं और बस रखते रहते हैं, बहुत ही फास्ट करते हैं। तो मैं नहा के आई हूँ इसलिए अभी टवल मेरे सर पर है, थोड़े गीले हैं बाल भी। ओके, स्टार्टिंग में मैं जैसे ही नहा के आती थोड़ा जब सर पर नहाती थोड़ी देर जो है टाल को लपेट के रखती हूँ ताकि पानी पूरा जो है सोख कर ले, उसके बाद निकाल देती हूँ। और थोड़ा सा जब वेट रहता है, बहुत ही 10% जब वेट बच जाता है तब जो है मैं सीरम लगा लेती हूँ। तो चलिए बैठे रहेंगे तो बस बैठे ही रहेंगे, और चलिए थोड़ी देर के बाद मैं मिलती हूँ। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ। सबसे पहले जो है मैं दही जमा लेती हूँ और बाकी काम करना शुरू करती हूँ। अगर दही जमाना भूल गए ना तो फिर दोपहर के लिए दही नहीं रहती है। तो दही मैं कैसे जमाती हूँ, थोड़ा सा जामुन लेके हॉट बॉक्स में डाल देने से जल्दी जम जाती है, 2 घंटे में जम जाती है। तो थोड़ा सा जामुन डालो और थोड़ा लूकवॉर्म गर्म दूध डालो, आपकी दही रेडी हो जाएगी विदिन 2-3 आवर्स। और आप अगर इसको कोजी जगह पे रखेंगे, मतलब थोड़ी गर्म जगह पे रखेंगे, तो और भी जल्दी जम जाती है। जैसे माइक्रोवेव में रख देंगे आप, मतलब माइक्रोवेव को ऑन नहीं करना है, नॉर्मल उसमें रख देंगे तो भी आपकी दही जो है जल्दी जम जाएगी। तो चलिए मैं जमा लेती हूँ पहले। कि दही बची होती है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे लस्सी टाइप बना लेना चाहिए आपको, तो इससे क्या होता है दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाती है और जल्दी जम जाती है। तो अभी मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर रख दूंगी। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट में उपमा बनाने वाली हूँ, जिसके लिए जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पे
गाजर को थोड़ा कद्दूकस कर लिया है और एक ऑनियन और दो मिर्ची लिए हैं। तो उससे पहले जो है मैं साइड में पहले कि मैंने 1 कप जो है रवा लिया है, इसमें इसको आपको थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेना है। कच्चा डालेंगे तो उपमा इतना टेस्टी नहीं लगता है, इसको थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको उपमा में ऐड करेंगे। तो चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है जिसके ऊपर मैं ये रवा डाल रही हूँ और एक और कढ़ाई रख रही हूँ साइड में उपमा के लिए। तो इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी मैं। और तेल गरम हो चुका है तो मैं इसमें जो है मिर्ची डालूंगी। थोड़ा सा प्याज, और ये ग्रेटेड कैरेट, साथ ही साथ हम इसको चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा रवा फ्राई हो चुका है तो मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। ज्यादा काला नहीं करना है आपको इसको, और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। और उसी कप से जो है मैं 3 ग्लास पानी डालूंगी जिससे मैंने रवा डाला था फ्राई करने के लिए। और इसमें अब मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर लूंगी। पानी में नमक जो है जल्दी घुल जाता है, इसलिए नमक डालने के बाद एक बार आप ये जो पानी जैसा दिख रहा है इसको आप टेस्ट करें कि बराबर लग रहा है कि नहीं, उसके बाद ही जो है आप रवा ऐड करें। अगर आप पहले ही रवा ऐड करने के बाद नमक चेक करेंगे उसके बाद आप मिला नहीं सकते बिल्कुल भी। तो नमक भी एकदम बराबर है और इसमें एक उबाल आ गया है ऑलरेडी, तो फुल गैस पर रखेंगे। जैसे ही उबाल आएगा तब जो है आप इसमें ये रवा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए उबाल। और डालते ही तुरंत आपको इसको अच्छी तरह मिला लेना है वरना लम्स आ जाएंगे इसमें। और एक बार अच्छी तरह मिलाने के बाद 2 मिनट तक ऐसे ढक्कन लगा दीजिए, पूरा मैस हो चुका है। तो हमारा उपमा रेडी है, ये देखिए। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी सी लूज लूज थी, ज़्यादा टाइट होगी तो एकदम ड्राई ड्राई हो जाता है, तो ये परफेक्ट है। आप इसमें चाहे तो काजू वाजू भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं करे।
और आप इसको घी डाल के भी खा सकते हैं, चीनी से भी खा सकते हैं, हनी से भी खा सकते हैं, या कोई अचार हो तो उसके साथ भी खा सकते हैं। तो मैं पहले सर्व कर देती हूँ प्लेट में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको सर्व कर दिया अच्छी तरह प्लेट में। अगर आपको राउंड टाइप में सर्व करना है तो पहले कटोरी में लेके उसको दबा के फिर इसमें प्लेट में उल्टा कर देंगे तो ऐसे राउंड आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये ड्रम स्टिक का अचार है, मेरी मम्मी ने कुछ दिन पहले भेजा था, और यहाँ पे हनी है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ उपमा बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं पहले ये ब्रेकफास्ट अपने हस्बैंड को दे देती हूँ और दूसरे प्लेट में मैं भी डाल के खा लेती हूँ। तो देखिए पहले नहाने से यहाँ पे ये हाल होता है, नहाया हुआ लगता ही नहीं है, दोबारा नहाना पड़ेगा फिर से, या तो एसी में बैठ के पूरा सुखाना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ी देर के बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। तो जैसे कि आपने देखा कि ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, तो मैं इनके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, और मुझे कॉफ़ी या चाय पीने का आज मन नहीं कर रहा है, तो मैं अपने लिए जो है ऑरेंज जूस बनाऊँगी, वो भी इस वाले मशीन में। तो पहले इनको कॉफ़ी दे देती हूँ, फिर दिखाऊँगी कि कैसे निकालती हूँ मैं इसमें जूस। तो ये रही कॉफ़ी, इनको दे के आती हूँ। तो अभी मैं जो है ऑरेंज जूस निकाल रही हूँ। यहाँ पे इसका ग्लास था प्लास्टिक का, पता नहीं वो कहाँ बच्चों ने घुमा दिया, मिल नहीं रहा है। ये स्टील वाला ग्लास रख लिया है मैंने, तो कुछ नहीं, बस ऐसे इसमें ये निकालो और इसमें डालो। अभी जैसे हम घुमाएंगे तो ये हिल रहा है ऐसे, तो इसके नीचे थोड़ा सा ऐसे पानी डाल के वैक्यूम होता है ना, और ये जो क्लिप है इसको ऐसे घुमा देंगे। अभी हिल नहीं रहा है, टाइट हो चुका है। तो बस अब इसको ऐसे प्रेस करना और जूस अपने आप निकलता जाएगा। तो ये जो वेस्ट निकला है आप इसको एक बार और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जूस रेडी है और मैं इसको एंजॉय कर लेती हूँ। गर्मियों में आप अपने बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ये काफ़ी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, और आप भी पीजिए, कोई भी टाइम पी सकते हैं आप इसको। अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो बच्चों को मत दीजिए, मतलब मौसम्बीस अगर आपने फ्रिज में रखे हुए हैं तो बच्चों को जूस निकाल के देने से उनको जुकाम हो जाएगा। तो डायरेक्टली जब फ्रेश लेके आते हैं तब वैसे का वैसे जूस निकाल के उनको दे दीजिए। और जो मैंने मिशन दिखाया मेरे पास काफ़ी साल से है, और आजकल तो रोड साइड में भी बेच रहे हैं काफ़ी, और ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। तो मैंने तो शॉप से ही लिया था, तो अगर आप वो ख़रीदना चाहें तो मैं ढूंढ के उसका लिंक डालूंगी अगर मिलता है मुझे तो। और आज का तो मेरा ब्रेकफास्ट रूटीन यही था। तो ब्रेकफास्ट हो गया था जैसे कि हमने देखा, और ये दांत का दर्द बढ़ता जा रहा था दोबारा जो है, तो इसलिए डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा, खाना भी नहीं बनाया था मैंने।
और अभी बस दाल रख रखी है, चावल रख के गई थी, ये हो गया। और ये हमारे बच्चों ने कांड क्या किया है, सोफे में जो है छेद कर दिए, पता नहीं जो चम्मच चाकू मिला है, बहुत दिनों से ऐसे कर रहे थे ये लोग, तो सोफे ख़राब हो गए थे, तो इसलिए जो है सोफ़ा रिपेयर करने वाले भैया आए थे। देखिए यहाँ का सोफ़ा निकाल दिया है, अभी बाहर है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा बाहर, अभी जो है सोफ़ा रिपेयर हो रहा है, जैसे मेरे दांतों का रिपेयर हुआ अभी सोफ़े का रिपेयर हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया डेंटिस्ट के पास गए थे, तो उन्होंने फिर से ब्लीड करवाया उसको, क्योंकि जब खाना वाना फंस जाता है तो वहाँ पे जो है ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, इसलिए स्टक होके फिर जो है पेन आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे सारी वेंस जो है आपकी आँख से, नाक से, गले से सारी कनेक्टेड रहती है, जो फेस जो होता है बहुत ही सेंसिटिव प्लेस होता है, तो कुछ भी वहाँ पे छेड़खानी करो ना तो बाकी चीज़ें जो है इफ़ेक्ट हो जाती है। तो वहाँ खाना फंस गया था, इसलिए उन लोगों ने फिर से जो है क्लीन अप किया और फिर से थोड़ा उसको ब्लीड कराया। ब्लीड कराने से ही वो नेचुरली हील होना शुरू होता है। तो दांत का दर्द वेरी हॉरिबल ठीक हो रहा है सोच रही थी मैं, और दोबारा जो है इसने वाट लगा दी। तो और मेरी हिम्मत नहीं हो रही आज कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ। बस आज का ब्लॉग इतना ही, ब्रेकफास्ट रेसिपी आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।